अगर आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से एग्जाम AI वीडियो एडिटिंग करना है तो आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा इस प्रकार से एडिटिंग अच्छी तरीके से पूरा सिखाऊंगा। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आप लोगों को इस मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए आज के एडिटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका एडिटिंग आप लोगों को पूरा मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक बिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से बिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ठीक है। तो बिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बिंग एप्लीकेशन को कर देना होगा ओपन। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी एक जीमेल के थ्रू यहाँ पर आप लोग दोस्तों लॉगिन हो जाना। तो लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले नीचे में कोने में ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इमेज क्रिएटर का, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है इमेज क्रिएटर का ऑप्शन, इस पर आप लोगों को सिंपली कर देना होगा क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ उस प्रकार से इमेजेस बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को प्रॉम्प्ट यहाँ से सिंपली कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये रहा प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों को इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कैसे करना है, अभी आप लोग ध्यान से देखो। कॉपी करने के लिए आप लोगों को सिंपली आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाना होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं अपना टेलीग्राम चैनल कर देता हूँ ओपन और यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी कैसे करना ध्यान से देखो। यहाँ से आप लोग अनुराग टेक्निकल सर्च कर देना और ऊपर यहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कैसे करना देखो, यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करके होल्ड रखना होगा, ऊपर में आप लोगों को कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। अभी ये टेक्स्ट हो चुका कॉपी। अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से सिंपली चले जाना होगा यहाँ से बिंग एप्लीकेशन में। बिंग एप्लीकेशन में यहाँ पर आप लोगों को आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना होगा, जिस प्रॉम्प्ट को अभी आप लोगों ने टेलीग्राम से कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट को करता हूँ पेस्ट। अभी यहाँ पर आप लोगों को नीचे में अनुराग देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से आप लोग अपना नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का नाम है। नाम सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों को नीचे में क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप लोगों को कर देना होगा क्लिक। तो लीजिए आप लोगों के सामने चार से AI इमेजेस बनाकर दे दिया। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो मान लीजिए मेरे को पहला वाला पसंद है, तो इस पर लॉन्ग प्रेस करके होल्ड रखता हूँ, नीचे में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर कर देता हूँ क्लिक और ये आप लोगों को हो जाएगा गैलरी सेव और ये आप लोगों को फोटो हो जाएगा डाउनलोड। तो अभी हमारा फोटो वाला काम हो चुका कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम लोगों को यूज करना है ऑटो वेलोसिटी इफेक्ट, जो कि आप लोगों ने वीडियो में पहले ही देखा। तो इस प्रकार के इफेक्ट यूज करने के लिए आप लोगों को फोन में कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। तो कैपकट को इंडिया में चलाने के लिए आप लोगों को VPN होना चाहिए, कोई सा भी एक VPN आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। मैं यहाँ पर यूज करूँगा सुपर VPN, जो कि मैं पहले से ही कनेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग VPN कनेक्ट कर लेना। फिर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपली चले जाना होगा कैपकट एप्लीकेशन में। तो कैपकट एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक, फोटो वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक। जिस फोटो को अभी आप लोगों ने बिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड किया उस पर क्लिक करके ऐड वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल करके इधर आना होगा, रेशियो वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक, 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके डन कर देना होगा, ठीक है। अभी एंडिंग वाले पार्ट में चले जाना होगा, इस पर क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल करके इधर आना होगा, कैनवास वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक, ब्लर वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक और यहाँ से मैं दूसरा ले लेता हूँ, आपको जो पसंद है वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेकंड वाला ले लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ। अब इसकी साइज़ की आप लोगों को लेंथ साइज 12 सेकंड के अराउंड रख लेता है, यहाँ से मैं 12 सेकंड रख लेता हूँ। अब इतना क्लिक करने के बाद ऊपर में आप लोगों को एरो का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करेंगे ये आप लोगों को गैलरी में हो जाएगा सेव। अब इसको ऑटो वेलोसिटी इफेक्ट कैसे यूज करेंगे, अभी हम लोगों का 12 सेकंड का क्लिप हुआ तैयार, अब इफेक्ट कैसे यूज करें उसको आप लोग देखिए। तो इसको आप लोगों को गैलरी में सेव हो जाने दीजिए। लीजिए भैया, ये हम लोगों को गैलरी में हो चुका सेव। अब इसके ऊपर हम लोगों को यूज़ करना ऑटो वेलोसिटी इफेक्ट यूज कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्रोम एप्लीकेशन को कर देना होगा ओपन। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या सर्च करना होगा ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर देना होगा ICAL कैपकट टेम्पलेट, ठीक है। ध्यान रहे आप लोगों को यहाँ पर VPN कनेक्ट रहना चाहिए, नहीं तो ऑटो वेलोसिटी इफेक्ट इसमें यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ICAL कैपकट टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर कर देना होगा क्लिक। तो जैसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और नीचे आना होगा यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज टेम्पलेट इन कैपकट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कर देना होगा क्लिक। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे में यूज टेम्पलेट वाला ऑप्शन कर देना होगा क्लिक। अभी यहाँ पर आप लोगों ने जो 12 सेकंड का वीडियो क्लिप तैयार किया कैपकट एप्लीकेशन से, उसको आप लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके प्रीव्यू वाले ऑप्शन कर देना होगा क्लिक और ये आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी इफेक्ट इसमें यूज हो रहा है, तो इफेक्ट यूज हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक और यहाँ से एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक और ये आप लोगों को गैलरी में हो जाएगा सेव। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।